हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आयुर्वेद इंडिया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ सलजम के चमत्कारी फायदों को जानकर हैरान रह जाएंगे आप। फ्रेंड्स, इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से औषधियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, सलजम मूली और गाजर की तरह ही एक कंद है। सलजम सर्दियों की बेहतरीन सब्जी है। इसका आकार चुकंदर की तरह ही गोल व आगे से नुकीला होता है। इसके ऊपर भी पत्तों का गुच्छा होता है। इसके पत्तियों में अन्य सब्जियों की तुलना में ज्यादा कैल्शियम होती है। सलजम की सब्जी शक्तिदायक होती है। यह चेहरे पर चमक लाती है और हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखती है। सलजम आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे देखने की शक्ति बढ़ती है। यह दिमाग की कमजोरी को दूर करता है, कब्ज मिटाता है, त्वचा के अनेक रोगों को यह जड़ से मिटा देता है। इसको खाने से खून साफ होता है। अनेक बीमारियों के लिए यह एक अच्छा टॉनिक है। सलजम के बीजों का भी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को ज्यादा पेशाब आता है उनको सलजम का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिन लोगों को बदहजमी और पेचिस का रोग है उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सलजम के ही औषधीय गुण लेकर आए हैं जिनको जानकर आप अपने लिए फायदा उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हड्डियों के लिए उपयोगी। सलजम में हड्डियों को मजबूत करने की शक्ति होती है। जिन बच्चों की हड्डियां कमजोर हैं, उनको सलजम और गाजर का जूस पिलाना चाहिए। शारीरिक कमजोरी को दूर करना। सलजम की सब्जी खाने से शरीर की कमजोरी दूर होती है। इसके साथ साथ मूली, गाजर, सलजम और टमाटर का सलाद खाना चाहिए। मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी। जिन लोगों को मधुमेह का रोग है उनको हर रोज सलजम की सब्जी और सलजम का सलाद खाना चाहिए। गले के लिए उपयोगी। सलजम को पानी में उबालकर उसी पानी में चीनी मिलाकर गर्म गर्म पीने से बैठा हुआ गला खुल जाता है। दमा रोगियों के लिए उपयोगी। सलजम का रस गाजर तथा पत्ता गोभी के रस में मिलाकर सुबह शाम पीने से दमा के रोग में फायदा होता है। खांसी में उपयोगी। सलजम को पानी में उबालकर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर पीने से खांसी में फायदा होता है। सर्दी की सूजन को दूर करने के लिए। जिन लोगों के हाथ पैर सर्दियों के कारण सूज जाते हैं उन्हें दो सलजम काटकर एक लीटर पानी में उबालकर पानी गुनगुना रहने पर हाथों और पैरों की सिकाई करनी चाहिए। इससे सूजन कम हो जाती है। दांतों व मसूड़ों के लिए उपयोगी। सलजम को अगर कच्चा चबाकर खाया जाता है तो इससे दांत व मसूड़े मजबूत बनते हैं और दांतों में चमक भी आती है। पीलिया को ठीक करने की शक्ति। सलजम का सेवन करने से पीलिया रोगों में लाभ मिलता है। कब्ज में उपयोगी। हर रोज कच्ची सलजम खाने से कब्ज दूर होती है। तो ये थे फ्रेंड्स, सलजम के चमत्कारी फायदों को जानकर हैरान रह जाएंगे आप। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आता हूं जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ बीमारियों से संबंधित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।